हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस बारी हमने दिल्ली को पीछे छोड़ के हमने दिल्ली एनसीआर गुड़गांव को कवर किया, जहां हम सबसे पहले गए गैलेरिया मार्केट एंड उसके बाद हम गए टिम हॉर्टन्स। अब काफी ज्यादा हाइप बढ़ रहा था टिम हॉर्टन्स का, तो हमने भी सोचा कि यार क्यों ना छोटा कनाडा ट्राई करके आ जाए। तो आज दिल्ली का मौसम काफी अच्छा था, काले काले बादल थे, सैटरडे था और लॉन्ग ड्राइव ना हो इस मौसम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने फटाफट अपनी गाड़ी उठाई एंड हम चल दिए सीधा गुड़गांव, दैट इज आवर गैलेरिया मार्केट। सो नाउ गैलेरिया मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपको ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलेगा। दैट मींस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, सैलून, कपड़े, खाने का स्टफ सब कुछ वहां पर मिलेगा। सो नाउ विदाउट एनी मोर टॉकिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आप मार्केट के अंदर आएंगे, आपको सबसे पहले एक मोमोज की शॉप दिखेगी, दैट इज वेरी फेमस, आर वाव मोमोज। उसी के आसपास आपको खान चाचा, बरिस्ता, आपको केक सिटी मिलेगी और अपना कॉफी शॉप भी मिलेगा, जहां आप आराम से बैठ के इस मौसम का मजा लूट सकते हैं। गैलेरिया मार्केट में ऊपर एक पाथवे जाता है जो एक बालकनी टाइप का एरिया है। अब जैसे ही बालकनी के उधर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो वहां से नीचे का व्यू भी बहुत प्यारा लगता है। ये शाम को तो और सुंदर लगता है क्योंकि फाउंटेन चलता है एंड लाइट्स भी काफी सुंदर लगती है। अब हम दिन में गए थे तो दिन में ही हमने कवर कर लिया। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट द स्नैकिंग थिंग, तो हमने यहाँ पर जाके एक छोटी सी प्यारी सी जगह थी जो हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी, तो वहां पर जाके हमने सोचा कि थोड़ी बहुत हम स्नैकिंग कर लेते हैं। तो नेल लैशेस के बिल्कुल साथ में आपको दिखेगा चाट चौक और यहाँ पे आपको गोलगप्पे, राज कचौड़ी सब मिलेगा। तो हमने ट्राई करी राज कचौड़ी जो काफी टेस्टी थी, इसके अंदर भल्ला था, छोटे छोटे दाल थे एंड काफी टेस्टी था। अब इसके बाद हम सीधा चल दिए अपने टिम हॉर्टन्स। अब टिम हॉर्टन्स में हमने सोचा कुछ नहीं था कि हमने ट्राई करना क्या है, हम बस एक माइंडसेट बनाकर चल रहे थे कि हाँ ठीक है वहां जाएंगे, जो थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगा वो ट्राई कर लेंगे। अब जब जैसे ही हम अंदर गए तो हमने वहां पर एक बहुत ही प्यारी चीज देखी जो आप अभी वीडियो में देखेंगे। तो रास्ते में जाकर हम सबसे पहले गए अपने साइबर हब। अब साइबर हब एक ऐसी जगह है जो काफी ज्यादा भरी हुई है कैफे से। वहां आपको वियतनामीज खाने से लेकर चाइनीज से लेकर थाई से लेकर आपको हर एक वैरायटी मिलेगी। तो हमने जैसे ही साइबर हब को एंटर किया हम सीधा चल दिए अपने टिम हॉर्टन्स में। हॉर्टन्स में जाकर सबसे पहले हमने आसपास का व्यू देखा एंड व्यू काफी अच्छा था, क्राउड काफी ज्यादा अच्छा रखा था। ये लव साइबर हब की जगह टिम हॉर्टन्स दो और जगह खुला है, दैट इज वन इन साकेत एंड वन इज इन आई गेस वेस्ट दिल्ली, दैट इज इन पंजाबी बाग। सो तीन जगह टिम हॉर्टन्स खुल चुका है, नाउ लेट्स सी कि और कहाँ खुलता है। सो अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज इन ईटिंग, सो लेट्स चेक देम। ऑलराइट यू गाइस, सो यहाँ पर रॉ की छोटी छोटी फ्लेवर्ड बॉटल्स भी थी, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे खाने के लिए कुकीज, पेस्ट्रीज, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डोनट्स, क्रोसॉ, सैंडविचेस भी मिल रहे थे। With that, obviously you have your hot beverages, cold beverages, and काफी सोच समझ के हमने तीन चीजें decide करी। So now let's check that out. And finally इतना सोच समझ कर हमने तीन चीजें decide करी जो कि थी बनाना कैरमल टिम शेक, जावा चिप, वेज पेस्टो फ्लैट ब्रेड। तीनों अपने अपने जगह सही थे बट आई वुड रेट 10/10 टू बनाना कैरमल टिम शेक, इट वॉज टू टेस्टी यू गाइस। उसके बाद हमें वेज पेस्टो फ्लैट ब्रेड भी अच्छा लगा बट ब्रेड काफी थिक थी, सो आई वुड रेट 8/10। रही बात जावा चिप की, तो जावा चिप वॉज रियली स्वीट, सो इफ यू हैव अ स्वीट टूथ यू कैन श्योरली चूज जावा चिप।
टोटल बिल हमारा आया 956 का, जो मुझे ठीक लगा, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड था. सो इफ यू थिंक टू गो टू टिम हॉर्टन्स, यू कैन श्योरली गो एंड हैव एन एक्सपीरियंस. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.